हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पटेल ग्राफिक चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा मोस्ट कॉमन सवाल यह है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी है कि ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में कुछ एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं अपनी जर्नी के हिसाब से आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कभी कॉर्पोरेट फील्ड या एजेंसी में वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी डिग्री पूछी जाती है। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है कौन से फील्ड से की, लाइक कॉमर्स से कीजिए या आर्ट्स से कीजिए या साइंस से कीजिए या डिप्लोमा से कीजिए। शर्त इतनी है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। और जब कोई बंदा या बंदी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है तो उसके पास स्किल अपने आप डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो उस पर इतना वर्क करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आपको किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे ना जाने कितनी सारी चैनल, लाइक आपको अगर हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या आपको और लैंग्वेज में चाहिए, तो आपको सारी लैंग्वेज में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, और वो भी आपको डिटेल से सीखने मिलेगी दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिसके पास पैसे नहीं रहते, इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीख सके। तो दोस्तों, मेरा तो आपको एक ही रिकमेंड रहेगा कि आप इंस्टीट्यूट में ना जाए, आप नॉर्मल अपने किसी यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से आप सीखिए। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ, आप रिवाइंड या पॉज करके भी सीख सकते। आप जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर आपके जो टीचर्स रहते हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, आज का इतना सा आपको सिखाना है, 2 घंटे में पूरा करना है, तो आप उसमें नहीं सीख सकते। YouTube पे आप बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारे मेरे कलीग ऐसे जो YouTube पर सीख कर आज मार्केट में अपना जौहर दिखा रहे, बहुत सारी अर्निंग कर रहे दोस्तों। तो आप भी YouTube से सीख सकते हैं। ऐसे अंधविश्वास में मत रहिए कि हमें क्लासेस जाना ही होगा, वहाँ पर से हमें सीखना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप YouTube से सीख सकते हैं। अब बात यह आती है कि ग्राफिक डिज़ाइनर करने के बाद हम अपनी अर्निंग किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं आपको एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। जितना समंदर में पानी है ना, उतनी आपके पास स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आप अर्निंग जहाँ से आप चाहे वहाँ से कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए फाइवर, 99 डिज़ाइन, आपको बे इंतहा साइड मिल जाएगी जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन वर्क शेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लाइंट भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। आप एजेंसी में वर्क कर सकते हैं, आप अपने लिए खुद के लिए ब्रांड खोल सकते हैं, आप खुद की एजेंसी खोल सकते हैं, मतलब जो चाहे आप वो इस फील्ड में कर सकते, इतना स्कोप है इस फील्ड में। तो बात यह आती है कि हमने डिज़ाइनिंग सीख ली, हमें सारे टूल्स आते हैं, हमें सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन हमारे पास वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम कहीं पर जाकर जॉब कर सके या हमें कोई हायर करेगा, क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग इतनी नहीं सीखी है। तो दोस्तों, इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैंने किया था अपनी लाइफ की शुरुआत जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आया था, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, और मेरे में एक मतलब बोलते ना कि इच्छा शक्ति थी, विल पावर था कि मुझे एक चीज़ हासिल करनी है, जो कि प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया क्या चीज़ रहती है, वहाँ पर पेजेस कैसे रहते हैं, A4 साइज, 12x18, A3 पेपर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बड़े बड़े प्लॉटर्स रहते हैं मशीन के, वो चीज़ कैसे रहते हैं, बैनर्स कैसे छपते, विजिटिंग कार्ड कैसे छपते, बिल बुक्स कैसे छपते, ये सारी चीज़ें मुझे देखना, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने प्रिंटिंग मीडिया के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, अपने आसपास के एरिया में जहाँ पर जो जेरोक्स की शॉप रहती है, जो बड़ी जेरोक्स की शॉप रहती है, जहाँ पर DTP ऑपरेटर वर्क करते, आपको पता होगा DTP ऑपरेटर भी उसी सॉफ्टवेयर पर काम करते, लाइक कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इसी सारे सॉफ्टवेयर पर वो लोग भी काम करते। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है, वो DTP ऑपरेटर रहते, हम डिज़ाइनर रहते, लेकिन दोस्तों उनका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उनकी स्पीड, उनका काम करने का तरीका मतलब बहुत अलग है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पर गया और मैं वहाँ पर जाके पूछा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे डिज़ाइनिंग में मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखे हैं और मेरी डिज़ाइनिंग पूरी हो गई तो मुझे आपके जॉब मिलेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, वैकेंसी आप आ सकते। तो मैंने नेक्स्ट डे से ज्वाइन किया। मुझे 5-10 दिन कुछ समझ में नहीं आया, लाइक कैसे मैं करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं। उसके बाद मुझे 5-10 दिन के बाद मेरे वहाँ पर दोस्ती बढ़ती गई, उन्होंने मुझे हेल्प की, इस तरह से ये चीज़ें रहती है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N, Ctrl+X, सारी शॉर्टकट की उन्होंने मुझे बताई कि इस तरह से तू अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। तो मैंने उस तरह से अपनी स्पीड बढ़ाई। और दोस्तों, वहाँ पर क्या होने लगा कि जो क्लाइंट रहते थे वो आपके पीछे बैठे रहते थे, और वहाँ पर दोस्तों आपको एक बेनिफिट क्या है कि वहाँ पर आपको प्रेशर में काम करना सीखने मिलेगा। लाइक वहाँ पर क्लाइंट आपके पीछे बैठते और वो आपके पास कोई भी डिज़ाइन बनवाते, विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, होर्डिंग, बैनर, सारी चीज़ें वो आपके पास
लाइव बैठ के बनाते हैं तो आपको प्रेशर में काम करना आ जाता है, और प्रेशर में काम करने के साथ साथ आपकी स्किल भी ऑटोमेटिक डेवलप होती है क्योंकि आपको प्रेशर में काम करना आ जाता है और आप काम को फास्ट करना सीख जाते हैं क्योंकि पीछे क्लाइंट बैठा रहता है, वो बोलते हैं फास्ट बनाइए, तो आप अपना जो रहता है एफर्ट्स वो फास्ट करते हैं। और वहाँ पर रहने के बाद आप मशीन्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, कितना ब्लीडिंग स्पेस छोड़ना होता है, कलर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं जो आपके लिए एक बेनिफिट रहते हैं। और 3-4 महीने के बाद दोस्तों जो आपका मतलब लेवल्स रहता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने आप को एक मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ आ गया दोस्तों, जैसा कि मुझे हुआ था। मुझे भी बहुत अच्छा फील होता था जब कोई क्लाइंट को मैं बना के देता था, क्लाइंट खुश होकर जाता था। मात्र 2-3 महीने में सारी चीज़ें सीख जाते हैं आप वहाँ पर रहते, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर तो आते ही, खाली डिज़ाइन स्किल डेवलप करनी होती है, वो आप धीरे धीरे अपने हिसाब से करते रहते हैं दोस्तों। और वहाँ पर दोस्तों प्लस पॉइंट क्या रहता मालूम है, वहाँ पर आप रहकर 8-10 हज़ार की अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पर 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये मतलब एक प्लस पॉइंट रहता है वहाँ पर, आपको सीखने तो सारी चीज़ें मिलती, आप वहाँ पर प्रेशर हैंडल करना सीख जाते, आप वहाँ पर अर्निंग भी करते, मतलब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। और 3-4 महीने में आप एक अच्छे डिज़ाइनर भी बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीखते रहते और घर पर आके अपनी प्रैक्टिस जारी रखते। और ये सारी चीज़ें करने से दोस्तों आपका कैसा एक जो अंदर का फियर रहता है, जो डर रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको बड़ी जगह पे लगना है, एजेंसी में लगना है या फिर कॉरपोरेट में लगना है या फिर किसी ब्रांड में जाना है आपको, तो दोस्तों आपका क्या एक कॉन्फिडेंस जो रहता है वो बिल्डअप हो जाता है जिससे कि आप कहीं पर भी आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। फिर वहाँ पर इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, माई सेल्फ बताइए या आपने क्या क्या किया पास्ट में वो बताइए, आपका पोर्टफोलियो बताइए। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको वो कहते हैं कि मैं आपको एक सोशल मीडिया बैनर दे रही हूँ या विजिटिंग कार्ड दे रही हूँ या होर्डिंग्स दे रही हूँ, आप उसको 1 घंटे का टाइम है मुझे बना के दिखाइए एक कंटेंट से। तो आप वहाँ पर इतने मतलब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो मैंने बनाई हुई है, खाली कंटेंट चेंज रहेगा, वो आप आसानी से कर सकते। तो आप उस तरह से वो 1 घंटे के टाइम पीरियड को आप 25-30 मिनट्स में आप बना देते और आपके शॉर्टकट की इतनी फास्ट चलती है कि वहाँ पर जो आपके आजू बाजू में रहते हैं वो भी देखते हैं कि वाह ये डिज़ाइनर बंदा बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट काम कर लेता है और अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो जिससे कि जो वहाँ के CEO रहते, MD रहते, वहाँ के HR रहते, उस पर आपका इंप्रेशन जो कि अच्छा गिरता है। और वहाँ पर आपको एज अ फ्रेशर 18-20 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है जो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है फ्रेशर की। उसके बाद तो आप जितना ऊपर उड़ान भरेंगे वो आपके ऊपर है, आपकी स्किल्स के ऊपर है कितना आप ऊपर जा सकते हैं। और दोस्तों जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई ये मेरे लाइफ से मतलब जो जुड़ी हुई बातें वो मैंने आपसे बताई, क्योंकि जब मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में आया था तो मुझे भी डर लगता था, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था, जिससे कि मैंने ये स्टार्टिंग की थी और मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से करके ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है कि मुझे स्केचेस वगैरह तो आते नहीं है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने के लिए स्केचेस आना ज़रूरी है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने के लिए आपको स्केचेस आने की कोई ज़रूरत नहीं, आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर है जो कि आर्टिस्ट नहीं है लेकिन आज ग्राफिक डिज़ाइनर है, उन्हें स्केच नहीं आता लेकिन आज ग्राफिक डिज़ाइनर है और बहुत सारी अच्छी सैलरी कमा रहे, फ्रीलांसिंग वर्क करके पैसे कमा रहे। और दोस्तों अभी मैं आपको एक और अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ, जो कि आपने जेरोक्स की शॉप पर काम किया था वहाँ पर आपने सारी चीज़ें सीख ली, आपको प्रिंटिंग मीडिया आ गई, आपको डिज़ाइनिंग आ गई। अब क्या होता है आप घर पे बैठे आपके दोस्त यार जो रहते रिश्तेदार उनको सबको पता रहता है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज है। तो आपके जो पापा के फ्रेंड्स रहते हैं जिनकी शॉप्स रहती है या किसी ब्रांड के लिए आप काम करते हैं तो किसी को पता रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे बैनर्स बनाना, मुझे विजिटिंग कार्ड बनाने या मुझे बिल बुक बनाने, तो आप वो सारी चीज़ें की डिज़ाइन तो बना लेते हैं। फिर उनके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे इसका प्रिंट भी बना के दे देगा, तो आपको सारी चीज़ें पता है प्रिंट कैसे होती है कैसे नहीं होती। और प्रिंटिंग मीडिया में दोस्तों 100% का मार्जिन रहता है, 100 क्या मैं तो ये कहता हूँ कि 150% का ही मार्जिन रहता है, क्योंकि प्रिंटिंग मीडिया में इतना मार्जिन है वो कस्टमर देख के प्रिंट मीडिया का मार्जिन करते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग वर्क उठा सकते हैं घर से, खुद ही प्रिंट करवा के उनको दे सकते हैं जिससे कि आप अपनी अर्निंग को और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में तो काम करते ही है, घर पे फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपकी अर्निंग और डबल हो सकती है। और लाइफ में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कभी भी एक इनकम के ऊपर मत बैठना, आप 2-3 इनकम का स्कोप रखिए, लाइक फ्रीलांसिंग भी कीजिए, आप कॉर्पोरेट में काम भी कीजिए। तो यही एक छोटी सी मेरी जर्नी, जो कि लोग पूछते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने के लिए क्या क्या करना रहता है, तो मैंने 3-4 पॉइंट आपको इजीली बता दिए, उसमें कुछ पॉइंट मैंने अपने ऐड भी किए जो कि मैंने किए थे। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बन सकते हैं, बहुत अच्छी
इनकम है इसके अंदर, बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों, आप अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।